हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आर्टिन होम यूट्यूब चैनल में। आज ये आपका 19वां क्लास है जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि छोटी बच्ची का जो बंडी होता है गर्मियों के लिए बांधने वाला, तो वो कटिंग कैसे करें। सेम पेपर से कटिंग करके आपको बताएंगे फ्रेंड्स। अगर इससे पहले आप 18 क्लास तक 18 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक सिलाई कोर्स का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में सभी अन्य वीडियो को आप देख लीजिए, तभी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसमें हम इसे एक पेपर लिए हैं जिसमें हमें कटिंग करना है बांधने वाला बंडी, छोटी बच्चों के लिए गर्मियों के लिए जो होता है। तो सबसे पहले इसे पेपर को हम फोल्ड करेंगे इस तरह। इस तरह आप फोर लेयर में फोल्ड कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये फोर लेयर में फोल्ड हो गया है। एक, दो, तीन, चार। इसके बाद हम निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप कपड़ा वाला कटिंग करना चाह रहे हैं या कटिंग करके आप सिलाई करेंगे तो इसी आधार पे होगा। तो उसमें नाप लगा के रब कीजिएगा फ्रेंड्स, जिस बच्ची का बनाना है उस बच्ची का। इसका 6 इंच हम लंबाई ले लेंगे फ्रेंड्स। और 1.5 इंच मार्जिन। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद नाप लगा लीजिए। चार इंच इसका शोल्डर लेंगे, 2 इंच इसका गला लेंगे फ्रेंड्स। गले की लंबाई 3 इंच। इसके बाद गोलाई लगा लेना है फ्रेंड्स इस तरह। ये जो आर्म होल है उसमें हम 1.5 इंच लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह। और इसका लंबाई है फ्रेंड्स, ये देखिए 13 इंच। आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं आप। और इसके बाद कटिंग करना होता है, तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए जो कटिंग हुआ है, ये यहाँ पे फोल्ड है, इसे हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह। तो आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि इसमें जैसे बांधने वाला है तो इसमें पट्टी कैसे लगेगा यहाँ पे, तो इस तरह लगेगा फ्रेंड्स। जैसे कि ये आर्म होल हमने कम लिया है और गले 3 इंच, आर्म होल 1.5 इंच। और इसके बाद देखिए
आपको पट्टी काट लेना है, एक चौड़ा सा पट्टी बना लेना है। आपको जितना चौड़ा रखना है फ्रेंड्स, इस तरह जैसे ये पट्टी है फ्रेंड्स, तब पट्टी हमने कटिंग कर लिया है। और इसके बाद सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स पट्टी को, जितना चौड़ा रखना है उस तरह, इस तरह। और फिर इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि जैसे ये गले है, गले में लगा लेना है, आर्म होल में लगा लेना है, ऐसे करके ये दोनों तरफ से ऐसे लगेगा फ्रेंड्स, एक इधर से इस तरह से अटैच करना है, इस तरह ऐसे। और फिर गले में भी ऐसे यहाँ से ले जाना है फ्रेंड्स, फिर दोनों को मिक्स कर लेना है। और फिर इसी तरह इसमें भी करना है फ्रेंड्स, और ऊपर जो डोरी रहता है फ्रेंड्स उसमें लटकन लगा लेना है, फिर बांध देना है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे बनेगा ये, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। ये बन के रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसमें भी ऐसे इस तरह से लगेगा। दोनों को मिला लेना है इधर फ्रेंड्स यहाँ आते हुए, तो इसी तरह इसमें सिलाई लगेगा फ्रेंड्स। गले में लगा लेना है, आर्म होल में लगा लेना है, दोनों में, दोनों जो भाग है दोनों में वैसे ही कर लेना है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद आपको फिटिंग कर लेना है, ये नीचे है जो फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है, और जो इसमें जो पट्टी लगा के उसमें लटकन लगा लेना है फ्रेंड्स। बस ये इतना ही इसमें बताना है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आप नहीं सीखे हैं तो फिर से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और कपड़ा वाला भी आप देखना चाहते हैं तो हम कपड़ा वाला भी सीख कर बताएंगे फ्रेंड्स कि कैसे ये बनता है कटिंग और सिलाई करके। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।